तो भाजपा और पूर्व विदेश मंत्री, भाजपा की नेता सुषमा स्वराज के निधन पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने शोक प्रकट करते हुए कहा कि भाजपा ने एक जनप्रिय नेता को खो दिया है। उन्होंने ये भी जिक्र देश के किया लिए कि बड़ा सुषमा दुख का स्वराज के दिन है। निधन पर भाजपा को गहरा आघात लगा है। मना रहा था कि धारा 370 कश्मीर से ख़त्म हुई और संसद ने उसको पास किया तो पूरा देश एक दिवाली की तरह मना रहा था, लेकिन उसी बीच एक खबर आई और वो बड़ी दुखदायी खबर थी कि हमारी जो नेता हैं सुषमा स्वराज जी, वो नहीं रही। बहुत ही जिंदा दिल नेता, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित किया। अपने अंतिम क्षण तक भी वो देश के लिए लड़ती रहीं। जब वो विदेश मंत्री थी तब ये आम था कि उनके ट्विटर पे कोई भी व्यक्ति अगर अपनी समस्या को लेकर कोई भी ट्वीट करता था और रात को 12 बजे भी उसको रेस्पॉन्स मिलता था, और दुनिया के किसी भी कोने में भारतीयों की तरह, भारतीयों के लिए वो ढाल की तरह हमेशा पीछे खड़ी रहती थी। कल शाम को ही 7:23 पर अपने निधन से ठीक 1.5 घंटा पहले उन्होंने एक ट्वीट किया, और ट्वीट करके उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री का इस बात के लिए अभिनंदन किया कि उन्होंने धारा 370 खत्म की। और इस ट्वीट में उन्होंने एक बड़ी भावुक बात लिखी। उन्होंने कहा कि मेरा जीवन सफल हो गया और मैं इसी दिन की प्रतीक्षा में जी रही थी। ये प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने ट्वीट में बोला और उसके ठीक 1.5 घंटे बाद उनका देहांत हो गया। सुषमा स्वराज जी एक प्रखर वक्ता थी, कुशल कार्यकर्ता थी और एक सही नेतृत्वकर्ता थी। सुषमा जी ने भारतीय जनता पार्टी को आज जितनी ऊंचाइयों पर है उसमें उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और उन्होंने विदेश मंत्री रहते हुए भारत का विदेशों में मान बढ़ाया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर एक वरिष्ठ पदाधिकारी तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में काफ़ी परिश्रम किया।